तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तो जिंदगी का अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। जी मोहब्बत ये एक हसीन ख्वाब जैसी होती है जो कि शायद हर किसी के नसीब में नहीं। तो गाइस वैलेंटाइंस डे है और इस खास मौके पर एज प्रॉमिस्ड हम आपके लिए ले आए हैं हमारा एक स्पेशल शो दिल से दिल की बात, जिसमें हम आपको मिलाने वाले हैं जयपुर के फ्यू ऑफ द बेस्ट वैलेंटाइन कपल से। गाइस आज हम एक ऐसे कपल से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के घर में अपनी पेंटिंग्स के जरिए ढेरों रंग बिखेरे। आज जानेंगे उनकी ही जिंदगी के कुछ रंगों के बारे में। सो गाइस हमारे साथ सुविज्ञ और चारू जी, तो चलिए सुनते हैं उनसे उनकी लव स्टोरी। चारू जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह से शुरुआत हुई। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड हमारे बोर्ड क्लियर ही हुए थे, मतलब बोर्ड का एग्जाम मैंने दिया ही था। एंड दिस गाय सुविज्ञ ही वॉज मतलब लाइक मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था ये। एंड हम लोग किसी NIT इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर्स का, उस टाइम राजापाक में हुआ करता था, तो हम लोग वहाँ मिले, मतलब यू नो इंट्रोड्यूस करवाया कि शी इज़ अ चारू, मतलब शी इज़ दिस गर्ल, ये अभी इतना ही कर रही, ओ हाय एंड हाउ आर यू। फिर मैं घर आई, उस टाइम बहुत आपको एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो फ्रेंड्स को बताना है ऑल दिस कि ये ऐसे मिले थे एंड ऑल। तो देन अरे सुविज्ञ यस आई नो दिस गाय, ऐसा कैसे, बोले यार इसको कौन नहीं जानता, एक तो इसकी बाइक इज सो फेमस एंड इज़ लाइक अ वेरी ड्यूड एंड क्लासी, राजा पार्क में जैसे निकलते हैं मालवीय नगर से निकलते हैं, बाइक बहुत फेमस है, बंदा बहुत फेमस है, कितनी गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल। आई वाज लाइक शिट, मतलब यू नो आई हैव बिग ड्रीम, आई वाज फेमस इन ऑल द नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स। एग्जैक्टली। फिर जो कॉमन फ्रेंड था हिज नेम इज़ भानु एंड अक्षित, तो ही सेड कि मैंने कहा भानु ये क्या है एंड ऑल, तो बोले कुछ नहीं है आपके टाइप का नहीं है ये, बस वो है कि आप बात मत करना इससे, इट्स नॉट योर टाइप बेसिकली। आई सेड ओके, बट ही ये तो हमारे कलाकार हैं ही, फ़ोन पे हाय एंड की कैसा है एंड ऑल। फिर एक महीने बाद इसने सडनली, हमारी रोज़ बात होती थी, एक महीने बाद सडनली ही सेड कि यू नो व्हाट, मेरा जो प्रोस्पेक्ट था तुमको लेके वो था ऑफकोर्स, बट अब मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त बनाना चाहता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। ही वॉज़ वेरी जेन्युइन दैट टाइम बिकॉज ही वॉज़ लाइक यू आर नॉट दैट गर्ल कि जिसको मैं हर्ट करना चाहूँगा या कभी भी करना होगा फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट बिलीव इन लव मैरिजेस। फ्रॉम डे वन ही वॉज वेरी क्लियर ऑन हिज पार्ट कि मैं लव मैरिज में वो नहीं करता बिलीव, एंड मैं मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही शादी करूँगा, एंड हैव सो मैनी गर्लफ्रेंड ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने सबके नाम बता दिए थे। ओके फ्रॉम दैट टाइम फिर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, रात को बात कर रहे हैं, सुबह बात कर रहे हैं, डेली लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स दैट टाइम, एंड इट वॉज सो कूल। लाइक 6 मंथ्स तक हम लोग मिले भी नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात। कभी कभी होता था तो कि घर के नीचे आता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम जेनी फैमिली, आई वॉज फ्रॉम जेनी फैमिली, सो इट्स लाइक कि पापा माँ को थोड़ा होता है ना, आपको सोसाइटी में रहना होता है, एंड लाइक 99 की बात है, राइट 98 99 99 99, एग्जैक्टली ठीक है, थिंग्स आर लाइक अच्छी थी, स्मूथ, हम लोग मिलते नहीं थे, नीचे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। फिर ऐसा टाइम निकलता गया, 6 मंथ्स बाद हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मिले, लाइक इसकी मारुति थी उस टाइम पे गोल्डन कलर की, एंड ही वाज सो स्वीट कि यू नो ठीक है भाई मिल रहे हैं, लाइक सी बाइक पे इसलिए निकलती थी मेरे साथ में बिकॉज़ माय बाइक वाज वेरी फेमस, दैट वाज मॉडिफाइड लाइक डीसी मॉडिफाइड, डीसी वाज वन बिग नेम दैट टाइम, तो डीसी दिलीप छाबड़े इज दैट गाय हु यू नो गॉट अ रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर बाइक्स, सो आई सेंट माय बाइक टू बॉम्बे, गॉट इट मॉडिफाइड, सो दैट इज द वे शी डिडंट वांट टू सिट ऑन द बाइक बिकॉज़ यू नो तो मैं साथ बाइक में निकलूंगी तो people will recognize me on that note, it's already very famous, so I don't want to sit with you, so when we go out we'll go in our car. Phir things were really very smooth, koi tension nahi tha, kuch bhi nahi problem thi, but kya ye bahut us time pe iska like ek din mein jaise valentines day tha, to inko subah mere bhai ne matlab mere cousin ne kisi aur ke sath dekha, din mein kisi aur ke sath mere, because sab jante the ki charu ka bahut acha friend hai, to kisi aur ke sath dekha, raat ko mere papa ne isko raja park mein एक किसी बंदी के साथ देखा बाइक से उतरते, तो पापा वाज लाइक, एंड दिन में भी पापा इसको देख चुके थे, उस टाइम पे मैकडी बहुत फेमस हुआ करता था, तो GT एंड राजा पार्क दो ही जगह हुआ करती थी जहाँ पे सारा यूथ क्राउड जाता था,
वैलेंटाइंस पे, तो पापा सर कि यार तेरा दोस्त सुबह किसी के साथ था, रात को किसी के साथ था, हम लोग ब्रदर्स और सब लोग मैगडी गए, यार ये लड़का बड़ा सही है, चार चार लड़कियाँ एक दिन में. आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक सुविके तुम किसके साथ हो, नहीं सर एक और लड़की का इसने नाम लिया. सर सुविके थोड़ा तो ध्यान रख लो यार, मतलब यू नो नॉट योर रेप्यूटेशन, यू आर माई फ्रेंड. बोले तो क्या हुआ, यू नो वॉट, क्योंकि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी हैं कि डोंट डू. आई अग्री बट फिर भी मैं चलो छोड़ो इससे कौन दिमाग लगाए, यू नो टाइप्स एंड ऑल दिस. एंड धीरे धीरे हम दोनों को एडिक्शन होता रहा, यू नो रोज बात कर रहे हैं ऑल. ये मुझे हर चीज़ बताता था. गोवा में 2000 में ये गोवा न्यू ईयर मिलेनियम बनाने वहाँ गए गोवा, ठीक 12 o'clock ही इज कॉलिंग मी हैप्पी न्यू ईयर ना, ही इज टेलिंग मी अबाउट आवर फॉरेनर्स के साथ कहाँ है एंड क्या रूम में एंड ऑल, ही इज टेलिंग ईच एंड एवरी थिंग. मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कि नहीं पता थी मुझे, ठीक है ना. बट थोड़ा थोड़ा मुझे ना इरिटेशन होने लग गया. I was not liking it, you know. Like but a possessive girl. Okay, so you were literally jealous होने लगे एक तरह से. अगर वो jealousy थी तो हाँ jealousy थी. और फिर इसका ना accident हुआ उसी time पे, मतलब इसका accident हुआ and he called me रात जयपुर में. तो उस accident में 5 लड़कियाँ थी and he was the only guy. She was talking about 2002. नहीं 2000 actually. Yeah. तो उस टाइम पे ही कॉल मी 4 बजे SMS हॉस्पिटल से कॉल किया कि चारू मेरा एक्सीडेंट हो गया. अब रात के 4 बजे अगर आपके घर में फ़ोन बज रहा है एंड वो भी आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, तो पेरेंट्स ऑफ एवरी वन लाइक यू नो ये क्या चक्कर है. ऐसे नहीं मम्मा सविके का कॉल है, 4 बजे कोई टाइम होता है फ़ोन करने का, उसके मम्मी पापा नहीं जो तुझे एक्सीडेंट हुआ है तुम्हें कॉल कर रहा है वो. ऐसे मम्मा ठीक है ना जो भी है उसको कॉल. चारू ऐसा ऐसा हुआ एंड ऐसा सबसे बड़ी बात थी 5 लड़कियाँ थी एंड ही नेम ऑल ऑफ देम सर वेरी नाइस. बोले मैंने पहली बार थोड़ा सा एक किसी ने भी कोल्ड ड्रिंक में कुछ महला दिया था लाइक आई ओके एंड देन बस. वाज द राजपूत फैमिली बेसिकली. माय गर्लफ्रेंड दिस गर्ल, तो शी इज अ राजपूत रादर. तो दिस गर्ल एंड बीइंग राजपूत दे यू नो डू अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑल, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड सम लिकर टू माय ड्रिंक. सो आई डिडंट नो अबाउट दैट बट सेमी कॉन्शियसली आई रोड विद देम एंड दैट टाइम द एक्सपेंशन ऑफ द रोड्स वाज ऑन. तो जयपुर में जो राजपुताना चल रहा था अपने जब रोडे चौड़े करने का कार्यक्रम, तो ये जेल एंड मार्ग पे आई मेट विद एक्सीडेंट वेरी सीरियस वन. सो एंड देन आफ्टर वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई रादर कॉल्ड हर टोल्ड चारू अबाउट द एंटायर सिनेरियो. आई डिडंट इवन कॉल माय फैमिली, पापा मम्मी किसी को भी फोन नहीं किया. चारू मिलने आई या नहीं? नो एक्चुअली आई वाज नॉट अलाउड दैट टाइम. मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी. आफ्टर 7 आई वाज नॉट सपोज टू गो एनीवेयर. मतलब हमारी 7:30 तो डेडलाइन होती थी, उसके बाद हम लोगों का मिलना बहुत शुरू हो गया. फ्रीक्वेंटली हम लोग मिलने लग गए एंड मेरा डेडलाइन होता था बिरला मंदिर की लाइट ना 8 o'clock बंद हो जाती हैं. तो जिस दिन वो लाइट बंद हो जाती थी ना सर पापा से डांट पड़ेगी फॉर श्योर है. लाइक तुम इतना डरती क्यों है? बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, मतलब आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर. तो पापा माँ ज़्यादा कॉन्शियस है मुझको लेके. मैं कहा यार अब तो गए. ऐसे टाइम चलता रहा बट दैट टाइम ही यूज टू टेल मी एवरी थिंग कि मेरी ये फ्रेंड है, मतलब इसकी डेटिंग चल रही थी एंड आई वॉज लाइक good friend, मतलब very. She was possessive and possessive friend, जो कि जल्द girlfriend बनने वाली. And he was the one कि you know I really like you but मेरी शादी तो मम्मी पापा की मर्जी से ही होएगा and मस्ती तो मैं कर ही रहा हूँ types and all. So he proposed you? No. Not really. Then ऐसे 1.5 साल निकल गया. उसके बाद मैं 21 या 22 की हो गई थी, 21 है. तो मेरे को proposals आने लगे शादी के because I have like a Jaini family. तो उनको लगा कि मैं इसको डेट कर रही हूँ. तो मम्मी पापा ने टेढ़ा मेढ़ा पूछा कि क्या है कैसा है. एंड देयर वाज वन गाय हु वाज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड. उसको घर में सब बहुत पसंद करते थे. ही वाज लाइक अ जेनी. कभी कुछ मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता तो वो आके ठीक कर लेता था या व्हाटएवर प्रॉपर्ली होल फैमिली. इनफैक्ट उसके इसकी स्टाइल की ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिया बिकॉज जैसे वो ही यूज्ड टू वेयर टाइट फिट शर्ट्स, वो भी टाइट फिट शर्ट्स पहन के आ रहा है. सो बेसिकली आप इनकी फ्रेंड से जेलस थे, वो आपके एंड इट इज़ लाइक यू नो ठीक है. एंड उसने मुझे बताया कि जो बंदा है तुम्हारा दोस्त है ये ठीक नहीं है, इसका नाम राहुल है, सविग्य नहीं है. आई वॉज लाइक हाँ. बोले तुमको बेवकूफ़ बना रहा है. सर क्यों बनाएगा, हमारे क्लियर हैं कॉन्सेप्ट कि वी आर नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो बोले ये राहुल बन के डांस क्लास सिखाता है अष्टा में एंड ये सब गर्ल्स को भी राहुल ही बताता है अपना नाम. अच्छा इतना अच्छा नाम है बंदे का सविग्य शर्मा भाई. नहीं तो इज इट राहुल बनके आप नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था. इट्स जस्ट अ बैड रेपुटेशन आई हैड फॉर माय नेम. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो एंड आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट डांस एंड यू नो टीचिंग म्यूजिक एंड ऑल. तो आई वाज वेरी पैशनेट बीइंग आर्टिस्टिक तो शुरू से थे बिकॉज इट्स माय जीन्स. सो वहाँ पे जाके अब मेरे नाम से करूँ तो लिटिल ऑकवर्ड आई यूज्ड टू फील. मैंने कहा चेंज द नेम से राहुल इज द मोस्ट कॉमन नेम एंड एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट टीचिंग
यू नो एक पैशन रहता है टू लर्न सीखने का. तो मैंने कहा वहाँ आई स्टार्टेड टीचिंग डांस. सो दिस इज कि आप राहुल बनके वहाँ पे डांस सिखाते थे. ओके आपका रिएक्शन कैसा था इस पर? आई वॉज वेरी शॉक्ड. मैंने पर ट्रस्ट नहीं किया. देन आई कॉल्ड हिम कि ये सब क्या है. तो सेड हाँ ऐसा ये सही है बात. लाइक तो मुझे बताते तो सही कि ऐसा कुछ है. बोले चल यार इट्स ओके तेको पता है ना क्या चल रहा है. ठीक है छोड़ लीव इट. ठीक है भाई हो गया बात. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया घर पर प्रेशर आया. उनको मालूम चला कि हम लोग फ्रेंड्स भी मतलब हमसे फ्रेंड्स हैं. हमारा शादी का कुछ सीन ही नहीं है. एंड देन बट एक जैसे अब इसकी मॉम को भी ये लगता था. पहले इनका एक शोरूम हुआ करता था यहाँ सी स्की में. वहाँ पे मैं इसे मिलने जाती थी शाम को. तो क्या हुआ एक बार इसकी मॉम ने मुझे देख लिया बाहर निकलते हुए. एंड उसने कहा भाग भाग. मैं हार्ट अटैक फॉर यू. एग्जैक्टली ना बॉयफ्रेंड हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं और मैं ऐसे भाग रही हूँ. उस पर मैंने क्या कर दिया. एंड सीरियसली मैं अपनी गाड़ी लेके मेरी मस्ता मेरे पास जैन हुआ करती थी. मैं जैन लेके ऐसी भागी एंड इसकी मम्मी मुझे फॉलो कर रही हैं एंटिल स्टैचू सर्कल तक. हो क्या रहा है इस वक्त. हम ना मतलब यू नो हमारा कुछ बीच में भी नहीं और हम भाग ऐसे रहे हैं जैसे तानी हमने क्या किया है. एंड सबको ये लगने लग गया कि भाई हम दोनों के बीच में तो कुछ है ही. एंड हमारे घर में इसके पापा के जो सेक्रेटरी हैं मतलब ओम जी करके वो बोलते थे भाई साहब ये कितनी भी गर्लफ्रेंड पटा ले शादी तो ये इसी लड़की से करेगा. सर तुझे कैसे पता. बोले देख लो ना भाभी तो यही बन के आएगी. एंड हमारे आज भी वो सारे जो सर्वर्स हैं देयर ऑल विद अस. आज भी हमारे साथ ही हैं. तो सब अभी भी मतलब है ना अब 20 साल पुराने सर्वेंट्स हैं वो अभी भी घर में ही हैं. तो उस टाइम में इन लोगों ने वो लिटरली बेटिंग हो गई थी घर में कि भैया शादी तो ये चारू से ही करेगा. तो बेसिकली ना आप इनसे प्यार करते थे ना क्लियरली प्यार नहीं करते थे लेकिन बात सबको लगता था कि यू वो दार इन लव. इट्स टोटली लाइक अ फिल्मी स्टाइल. एग्जैक्टली मतलब ये कितनी गर्लफ्रेंड्स के घर में फ़ोन आ रहे हैं तो ये उठा नहीं रहा. जैसे ही पता था कि मेरा फ़ोन आया है तो अरे अरे दे इसको कभी ना नहीं करना. मेरा फ़ोन कभी भी ये रिजेक्ट नहीं करता था. ऑलवेज लाइक इन वन लाइक वन रिंग पे अगर उसका चारू का फ़ोन है तो प्लीज़ मेरे को दे देना बाकी सबको मना कर दो. ठीक है लाइक थिंग्स वर वेरी गुड. फिर एक बार सडनली क्या हुआ मेरे लिए मेरी मॉम ने लड़का बताया थाईलैंड से था. ही वॉज अ ज्वेलर एंड फैमिली फ्रेंड्स भी थे कि आपको ये देखना है. माई नानी एंड माई मामा तो आई टोल्ड हिम कि भाई और इसका कॉलेज भवानीपुर से था. तो दैट टाइम कैलकटा तो ये कैलकटा चला गया था लॉन्ग डिस्टेंस शिप. एंड लाइक तब भी वी यूज टू टॉक लाइक 3-4 आवर्स. हमारा बिल आता था 40,000 का लैंडलाइन. वो इसने कॉन्फ्रेंस लिए मतलब होता था ना कि आप लाइन दे दो. उस टाइम पे ये चलता था वो कॉन्फ्रेंस चलती थी. तो एसटीडी पे व्हेन यू यूज्ड टू कॉन्फ्रेंस पे आई टोल्ड दिस गाय कि जब भी ये फोन करेंगी तो आप लाइन कनेक्ट कर देना और आई यू नो जस्ट मेक श्योर दैट द बिल इज ऑन मी बट यू मेक श्योर दैट शी इज नेवर बीन डिसकनेक्टेड. सो एंड एंड ऑफ द डे दो महीने बाद मैं जयपुर पहुंचा. पहुंचने के बाद मैंने बिल पे किया 47,000 रुपीस इन 2002. उस टाइम पे आपने 47,000 तो घर पे तो झटका लगा ही होगा. हां घर पे बताते नहीं थे. तो एकदम स्ट्रेस हो गया. मैंने कहा यार बहुत ज्यादा हो गया है तो एक्सट्रीम हो गया. दैट टाइम वी रियलाइज कि हम लोग वी आर इन लव एक्चुअली. ही इज वी यूज्ड टू से लव यू यू नो एंड ही इज लाइक इसका पैट लाइन था आई लव यू सो मच बट आई कांट लिव विदाउट यू बट आई कांट मैरी यू. दैट वाज लाइन मतलब तब हमें रियलाइज हो गया था कि यू नो ऐसी कोई फीलिंग है क्योंकि 4-4 घंटे हम बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मल. कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रहती थी. आपके पापा बोलते थे कि वैलेंटाइंस डे के दिन सुबह शाम रात अलग अलग लड़कियों के साथ. तो कभी ट्रस्ट इश्यूज नहीं क्योंकि शुरू से मुझे सब पता हुआ करता था. तो बट बुरा लगता था बट कभी इस तरह से नहीं था. एंड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं शादी नहीं कर सकता. शादी तो मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा. जब हम लोगों का ये हुआ ना कि आई थिंक ये प्यार ही तो है. जब हम रह ही नहीं पा रहे एक दूसरे के बिना. हमको दिन में 4 घंटे बात करनी है. इसकी धीरे धीरे गर्लफ्रेंड्स कम होती गई लाइक फिर क्योंकि टाइम मुझमें डिवाइड होने लग गया. 3 घंटे मुझसे मिल रहा था किसी से मिल ही नहीं पाता था उस टाइम पे. तो सुबह के मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये फ़ोन पे बात करना लंबी लंबी ये सब शादी तक कैसे पहुँचा. अभी आप एक बार प्रॉपर इन्हीं की सुनिए. तो इट वॉज मोर लाइक ये जो बोल रही है रोज़ बातचीत करना दैट बिकेम अ हैबिट. एंड जब कभी ऐसा हो कि सर्कमस्टांस हो गया बात नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था बात ना करने का. सो लेटर ऑन फिर इसका जो फैमिली प्रेशर्स थे शादी को लेके जो घर वाले पुश कर रहे थे कि गेट मैरिड सून. And we had a very bad fight for the same reason. Shall I hold the mic? So for the same reason we had a very bad fight. And you know, Manika, do whatever you like, get married to the one you like, and you know, let's not talk about it. And please carry on with your life. So not my cup of tea. And that was very rude, very very rude. So then we didn't speak to each other for like at least 3 days. पॉइंट ये हुआ था मेरे घर पे आ गए थे. ही वॉज इन कैलकटा. तो दैट गाय केम इट माई प्लेस एंड सब कुछ हो गया एंड ऑल दिस. आई कॉल हिम सुबह के प्लीज़ टेल मी समथिंग मैं करूँ क्या. बोले तुम्हें जो ठीक लगे करो.
बट मेरा इस चीज़ में मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ, शादी नहीं हो सकती. और ही इज़ लाइक तुम क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब मेरे मॉम डैड मेरी नाना मैं इनको जवाब क्या दूंगी. तो ही वॉज लाइक एंड तब मेरा बहुत स्ट्रेस शुरू हो गया, वो लड़का मेरे घर पर बैठा हुआ है एंड उसकी फैमिली मेरे घर पर बैठी हुई, व्हाट शुड आई से, एंड ही इज़ इन कलकत्ता एंड हमारा बिग फाइट था. तो 24 आवर्स ऐसा था हमारी पूरी, आज हम दोनों को 18 साल हो गए साथ, 18 ईयर्स हो गए हम दोनों को. एंड 18 ईयर्स में सिर्फ वो 24 आवर्स है जब हम दोनों की कभी बात नहीं हुई, टच वुड आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ वो एक दिन था जब हमारी कभी मतलब बात नहीं हुई, हमने 24 आवर्स में एक दूसरे की वॉइस नहीं सुनी हुई हो. बिकॉज ही वॉज सो स्टबर्न कि मैं फ़ोन नहीं लूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, एंड यू लाइक यू नो तुम्हें जो करना है करो. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने घर में कन्विंस किया, सबको किया कि भाई एक काम करो, अभी थोड़ा टाइम मुझे दे दो आप, मैं अभी नहीं प्रिपेयर हूँ शादी के लिए. एंड आई कॉल्ड हिम मॉर्निंग में 7 बजे जाके एसटीडी का वेट किया, एसटीडी खुला एंड आई कॉल्ड हिम कि सभी की एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी शादी के लिए देन यू विल टॉक टू मी ना, मतलब मैंने इतनी सुबह मॉर्निंग उसको कॉल किया. तो ही वॉज लाइक, मैंने 2000 का उस टाइम पर ना मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव होते थे, तो मैंने 2000 या 5000 का रिचार्ज करवाया था, मुझे मेरी कभी भी कुछ ड्रेसेस के लिए पैसे मिलते थे तो आई यूज़ टू स्पेंड ऑन मोबाइल्स. तो इट वॉज लाइक इट वॉज लाइक ठीक है पक्का तो मुझसे नहीं करेगी, ऐसे प्रॉमिस मैं नहीं करूँगी, बट जैसा चल रहा है चलने दो, सब थिंग्स हैं यू नो, सब झूठ है हमारा प्यार सच है, दिस इज आर लाइन, सब झूठ है हमारा प्यार सच है. एंड आई टोल्ड हिम देन जस्ट थोड़ा थोड़ा सा आंसू आए फ़ोन पे एंड देन नेक्स्ट डे तो ही लाइक उसने ही टुक द फ्लाइट एंड ही केम कि ठीक है जयपुर थिंग्स लाइक नॉर्मल होने लग गए इन ऑल. फिर वापस ही गया तब देन ही कॉल्ड मी कि यू वांट टू मैरी मी क्या. हां बिकॉज़ आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग माय माइंड फॉर इट. And then I and all these years like 3-4 years, 5 years हो चुके थे हमको आपस में बातचीत करते हुए, very addiction of each other. तो बात करते करते I realized that you know इसने आज तक जब भी propose किया शादी के लिए was always a no. तो मैंने कहा why don't let me try कि I was preparing my mind for it कि चलो हम लोग, मैं इससे पूछ के देखता हूँ कि कभी मैं तुझे शादी के लिए बोलूँगा तो will you say yes or no. So 2-4 days I took myself, thought about it, I asked in the evening, बड़े calm relaxed evening में I was standing on my terrace in Calcutta. And we were speaking on the phone. So I told him, I said, Charu, kabhi main tujhe bolun ki I want to get married to you, would you ever say a yes? So then she's like, are you drunk? I said, you know I don't drink any which ways, right? So boli theek, and she cut the phone. Maine wapas phone kiya 10 minute baad. Maine unko galat question puch liya, shayad ego hurt ho gaya bahut zyada. To maine wapas phone kiya for the same reason. I said, Charu, straightly give me a yes or no. To nahi bolegi, to I'll never ask you for the same question again, ever. And she was like, it'll be a yes. And okay, that's well, why are you asking this? But just I just want to have your thought over it. And you said a yes, so it's you know, let's not discuss it more. And but uske baad mein I started preparing myself for it. Because then I fir phone rakhne ke baad I realized ki itne saalon mein hamesha ye mujhse poochti rahi aur hamesha na karta raha. It was humiliation to an extent. Ki aap kisi ko baar baar push kar rahe ho aur aap saaf saaf inkaar hi kar rahe ho ki nahi baat bhi nahi karenge is bare mein, baat karoge to aise threaten. तो दैट थिंग वॉज वेरी वेरी हार्ड ऑन माई हार्ट कि मेरे को लगा कि यार मेरे एक पूछने पे इस लड़की ने सब भूल भाल के एकदम इमीडिएटली हाँ कह दिया, देन हु कैन बी अ बेटर गर्ल फॉर मी देन हर. तो देन आई स्टार्ट मेकिंग अप माई माइंड, जयपुर आके मेट हर फैमिली एंड उस टाइम मैंने नहीं बोला शादी की बात, बट बहुत नॉर्मली कैजुअली मिलना. मैं नेक्स्ट डे बॉम्बे जा रही थी तो इसने कहा तुम जा रहे हो, ऐसे हाँ मैं जा रही हूँ, बोले मम्मा साथ जा रही है, ऐसे हाँ, बोले चलो मैं भी जा जाता हूँ. मैं कहा टिकट है नहीं, मैं आ जाता हूँ, मतलब बोले ये इससे अच्छा टाइम कभी होगा नहीं, मैं मम्मा आंटी से आराम से बात कर सकता हूँ, नो वो भी मुझे जान जाएगी एंड मैं भी लाइक तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो, कल पूछ रहे हो कि शादी करोगी, आज बोल रहे हो तुम जा रही हो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ. आई वॉज लाइक ओके. तो इसने आई थिंक क्या चार कोई पेनल्टी कटवा के एंड ये तो ट्रेन में ट्रेन या विद एक बैग लेके, इसके डैड उस टाइम बॉम्बे में ही थे तो इसने बोला होगा डैड मैम कमिंग इन ऑल. हम बॉम्बे में 5 days ही वॉज टोटली विद माई फैमिली, यू नो लाइक रात को जाता था पर पूरे दिन हमारे साथ किया, जैसे बहुत एक्सीडेंटल हो ट्रेन में मिलना बहुत एक्सीडेंटल हो, अरे तुम तो लाइक दैट वी बिहेव्ड इन फ्रंट ऑफ मदर इन लॉ. तो इनके लिए बोला उनके लिए ऑब्वियसली वी मेड इट फील लाइक वेरी एक्सीडेंटल. तो वहाँ से शी रियली लाइक मी इन द ट्रेन, इनको मैंने पूरी इनकी सेवा करना, इनके लिए भैया बाहर बड़ौदा आया तो इनके लिए कुछ खाने को लेके आना. ही वॉज वेरी स्मार्ट कि यू नो कि मम्मा को मतलब लाइक यू नो कि प्रॉपरली पटाओ कि पोहा बना के, आंटी आपने पोहे तो बहुत अच्छे बनाए एंड शी इज आस्किंग चारू मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखा है एंड ऑल दिस टाइम. लाइक नहीं मम्मा आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो लाइक बोले बेटा हम लोगों को भी पता है, हमने भी बहुत अपने टाइम पे वो कर रखा था एंड ऑल द टाइम. ठीक है हम लोग बॉम्बे गए एंड बहुत क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया. ही वॉज विथ माई मॉम एंड डैड से, इसकी डैड से मिली मैं
वहाँ पे बॉम्बे में एंड आराम से एंड मेरी मॉम और इसके डैड दोनों की वही बात हो गई, बच्चे ना आपस में बहुत राजी हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इमीडिएटली बात ही वहाँ पहुँचती थी विदाउट टेलिंग एनीथिंग, उन्हें सब कुछ पता चल गया। माय डैड वाज हियर एंड हिज मॉम वाज हियर एंड इसके डैड बॉम्बे में थे और मेरी मॉम बॉम्बे में थे, तो वहीं पे सब सेट हो गया एंड वी वर बोथ वर सो हैप्पी कि यू नो अब थिंग्स हम लोग अपनी सारी ड्रीम लाइफ सब जी लेंगे टाइप्स यू नो जू बीच में हम हाथों में हाथ रखे एंड वी आर गोइंग फॉर वॉक एंड यू नो बेस्ट टाइम आई गेस ऑफ आर लाइफ, दोज थिंग्स वर नॉर्मल लाइक फाइन। बट यहाँ आने के बाद जैसे ही हम लोग जयपुर पहुँचे पता चला कि भाई क्योंकि एक दीदी और है मतलब इसकी बड़ी दीदी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर, शी वॉज वर्किंग इन दिल्ली विद कुछ कानवाजीज। हाँ कानवाजीज, तो ठीक है अब यहाँ के तो चीज़ें ही अलग थी, मॉम वाज नॉट हिज मॉम वाज नॉट ओके विद इट कि नो ऐसे एकदम से कैसे शादी डिसाइड हो गई इन टाइप्स। अब ये मुझे ना हम दोनों के तो डिसाइड हो गया था, मॉम सबको पता था, बट ये मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलवाता था, ये एक और ट्विस्ट था एंड इट वॉज वेरी टफ कि अब करें तो क्या करें, उनको मालूम है कि आई एम डेटिंग एंड यू नो एवरीथिंग इज़ फाइन और लोग भड़काने वाले भी बहुत सारे हैं इधर उधर के, बट एनी वेज कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड अब ये स्टबन हो गया था कि शादी करनी तो इसी से करनी है, पहले शादी नहीं करनी थी, अब था शादी करनी है तो इसी से करनी है। देन कैसे ना कैसे हम लोगों ने मनाया, बट मम्मा का था कि पहले तो सब थिंग्स वॉज राइट कि जैसे हम थोड़ा जो कोर्टशिप टाइम होता है ना, शी वॉज लाइक बहुत अच्छी तो मुझे हक कर रही हैं, बहुत मिल रही हैं, बट आफ्टर सम मंथ्स शी इज़ लाइक कि नहीं शादी नहीं हो सकती, सिंपली नो था कि शादी नहीं हो सकती। Then his dad and my mom and my they all were very sweet. तो उन्होंने कहा आप ये बोले अब ये क्या करें, तो इसने ना वहाँ पे कलेक्ट्रेट में पता किया कि आरएस समाज में क्या प्रोसीजर होता है, शादी होती कैसे, कोर्टशिप में कैसे, कोर्ट मैरिज कैसे होती है। इमीडिएटली मैंने रात को डिसाइड किया, मॉर्निंग में आई टोल्ड माई फादर इन लॉ, दोनों से बात करके एंड मैंने कहा वहाँ पहुँचूँ एंड आई एम गेटिंग मैरिड एंड प्रेज गॉड ये लोग इतने कोऑपरेटिव थे, बोथ आर माई आई एम वेरी गुड माई फादर ऑल्सो, ही इज़ लाइक अ वेरी वेरी good friend to me even now, so both of them reached there, Charu ko I picked on the way, hum log pahunche wahan pe, pahunch ke and pura RS samaj ke pura wo shaadi ka pura formalities ke mandap mein pura jo fere dete hain sab kuch kiya, next day went to the court, registration karaya, so we were finally married then, fir ab kisi ko bataya nahi humne 6 mahine tak ki hamari shaadi ho chuki thi, hum dono ke dads ko pata tha ki hamari shaadi ho chuki hai but baaki kisi ko nahi pata tha, दोनों पापाओं को पता था। माय फादर पहले तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि नहीं तुम 7 बजे घर के बाद आओ एंड सडनली ही वाज लाइक नहीं तुम 9 बजे तक आओ ना, तो वी वर लाइक अरे यार ये कैसी चीज़ है कि 9 बजे तक आओ, बट ही वाज वेरी कूल एंड फिर धीरे धीरे पता इसके है ना चाचा आरएस ऑफिसर हैं, तो सडनली पता नहीं कुछ चाची को ना कहीं से हिंट हो गया एंड उन्होंने जीरोक्स निकलवा ली हमारी वो कोर्ट मैरिज के पेपर्स जो होते हैं उसमें उन्होंने निकलवाया कि इसकी तो शादी हो चुकी है एंड मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई हुई थी, जून की बात है एग्जैक्टली, तो भाई भाभी जी आप तो मिठाई नहीं खिलाई आपने अपने बेटे की शादी कर ली, बोले कौन से बेटे की शादी कर ली, तो बोले पैट नेम इज पिंचू, बोले हाँ, बोले हो ही नहीं सकता एंड देन तो फोटो सेट की कॉपीज पूरे घर में है सर, वो फोटो कॉपी निकलवा के सबको सेंड इट ऑल टू एंटायर फैमिली, लव स्टोरी में जब तक कोई विलेन ना हो तो मजा नहीं एंड देन फिर घर में ओपन करना पड़ा, तो देन माय मदर लॉ सर कि अब तो घर ले आओ, अब शादी अब दूसरी शादी करने की क्या जरूरत, मतलब यू नो अब क्या करना है, तो बस ठीक है घर पे बुलाओ मिठाइयाँ भिजवा दो सब जगह। देन पता नहीं किसने बोला कि नहीं अब तो दूसरा वाला भी वो शादी होगी मतलब होगी, तो हाँ फिर वापस दोबारा 26 नवंबर को एक और मतलब प्रॉपर 1000 आदमियों का बना के माय फादर सेड कि प्रॉपर वो रिचुअल से जो होती है फॉर्मेलिटीज से वैसे ही शादी करनी है, तो फिर वही पंडित से डेट निकलवाई, उन्हें डेट निकाल के 26 नवंबर की डेट दी। Then finally on the 26th November we got married. No, proper. But in fact, हमारे घर में एक पंडित जी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरी 2 शादियाँ होंगी और इसको लेके हमारी फाइट हुई हुई थी, तो 14 फेरे होंगे एंड आई लाइक क्या मतलब यू नो, बोले नहीं इस लड़की कुंडली में ही है, तो मैं थैंकफुली 2 शादी एक से ही हुई तो मैं इसको हमेशा टीज करती हूँ ऐसा दो बार कि 2 शादियाँ हुई पर एक ही इंसान से हुई, बट फिर फाइनली हमारी शादी हो गई एंड देन वी लाइक ओके हमारा वी वर वेरी हैप्पी लाइक। जैसे आपने बताया कि शादी को 11-12 साल हो गए हैं, तो मैरिज एंड 11 ईयर्स फॉर लाइक 26 नवंबर वाला 11 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। हाँ तो लाइक अभी कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे लाइफ में। चेंजेस सबसे अच्छी बात यह है कि वी ऑलवेज बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जैसे एक लड़का लड़का दोस्त होते हैं, लड़की लड़की दोस्त होते हैं, वैसे हम लोग शुरू से ही दोस्त रहे हैं, तो कभी कोई छिपाने वाली कोई बात ही नहीं थी, एवरीथिंग हैड बीन वेरी क्लियर, इसलिए इट हैज़ बीन अ वेरी स्मूथ केक वॉक। बट छोटे मोटे झगड़े नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, वो बड़े इंपॉर्टेंट है लाइफ में,
But overall, it's a blessing. Getting married to the girl you like, and it can't be better than marrying a friend. दोस्त से शादी करना इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको आप इनसाइड आउट जानते हो। So, Vicky, मैं आपसे एक ऐसी चीज जानना चाहूंगी जो आपको चारू के बारे में बहुत अच्छी लगती हो। And I also want to know. As in like facial features or nature, दो अलग अलग चीजें होती है। I love her eyes. Big time. Actually, from the very beginning, I just fell in love with her eyes at first sight. So, and apart from that, ये खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। मतलब सबसे पहले खुद का स्ट्रेस होना हो, खुद की तबीयत ठीक होना हो, पर दूसरों की सोचना, दूसरों के लिए करना, कभी कभी मैं उसके बाद पिस ऑफ भी हो जाता हूँ, पर सबका अपना अपना नेचर होता है, तो विच इज़ वन गुड थिंग आई रियली लव अबाउट हर। एक्चुअली यू नो इज़ अ वेरी प्योर हार्ट, वेरी वेरी प्योर हार्ट। लगता ही नहीं कि मतलब यू नो आज का सीरियसली इट्स नथिंग कि मैं मेरा हस्बैंड है इसलिए बोल रही हूँ, मेरा दोस्त है इसलिए बोल रही हूँ, बट जैसा ह्यूमन बींग होना आई कॉन्ट, मैंने देखा ही नहीं, मैंने इतना मतलब सब जगह देखा है, इतना ट्रैवल किया है, बट इज़ अ रियली वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट हार्ट। इससे मुझे आज तक किसी चीज़ के लिए ऑनेस्टली मतलब सीरियसली स्वेयर ऑन एनी वन, इस बंदे को ना करना नहीं आता है, ये कभी किसी को ना नहीं कर सकता। एंड मुझे हमेशा डर लगता है सर सुविज्ञ तुम इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट हो, कभी कोई आगे तुम्हारे गले पड़ जाएगी तो क्या तुम तब भी हाँ कर दो? बेसिकली अच्छी बात भी और डरने वाली बात भी है। वेरी मतलब ये ऐसा आज सपोज अगर आप कहो कि सुविज्ञ शाम का क्या सीन है, ऑलरेडी हमारे चार सीन बने हुए हैं, या 10 मिनट्स के लिए आई विल कम। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सुविज्ञ के, यही नेगेटिव पे हो जाता है क्योंकि देन आप मैं कहता हूं नॉट मशीन कि तुम कभी भी नहीं करते, लाइक हाँ हाँ ये किसी इसको ना करना आता ही नहीं है, सीरियसली नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात है, बट ये डे वन से इज़ लाइक मैं कहूँगी ना सर कि आई वांट टू शॉप, चाहे इसका कार्ड है या नहीं है, इसका भी कुछ फाइनेंशियली चल रहा है या अप डाउन, जब हम आए उस टाइम पे जो स्ट्रगलिंग टाइम था, इस लड़के ने मुझे अगर जेब में 1000 रुपये थे तो 800 रुपये की शॉपिंग कराई इस बंदे ने, तो दैट पता है इसको बहुत ढंग से इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, और वी आर टू अपोजिट्स, मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, इसका गुस्सा बहुत तेज़ जब आता है। तो एट द सेम टाइम मतलब चाहे मेरा बेटा हो चाहे मैं हूँ, सब जानते हैं कि भाभी को गुस्सा ना दिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मम्मा को गुस्सा ना दिलाया ज़्यादा अच्छा है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत दूर रहूँ ऐसी कोई इंसिडेंट से सर्कमस्टांस से जहाँ पे गुस्सा आए, आई रादर लीव द रूम एंड गो आउट एट दैट टाइम। मैंने कहा लेट अस सेटल ऑन ओन। आप दोनों की लव स्टोरी लाइक एकदम बहुत ज़्यादा फिल्मी है, और साथ में इट वॉज लाइक अ केक वॉक, ज़्यादा कुछ स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। तो मैं चाहूँगी कि कोई एक सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग आप सुविज्ञ को डेडिकेट करो। He only have to sing because I'm not a good singer. Okay, you can dedicate it. जब कोई बात बिगड़ जाए। Very nice, and you? तुम ही हो। थोड़ा सा गुनगुनाना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो गाइस आपने देखा कितना प्यारा सा कपल था ये, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपको मिलाने वाले हैं और भी कई कपल से जो करने वाले हैं दिल से दिल की बात।